नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये है पंजाब नेशनल बैंक की मनी डिपॉजिट स्लिप और इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाइव इस फॉर्म को भर के दिखाऊंगा। आप एकदम ध्यान से देखो और इस फॉर्म को भरना सीख लो। तो पहले मैं इस साइड को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे एकदम ये जो ऊपर में आपको यहाँ पर आपकी ब्रांच की नेम लिख देना है, इसके बाद यहाँ पर आप डेट लिख दो। उसके बाद ये जो खाली घर अब देख रहे हो, इस घर में आप आपकी खाता संख्या मतलब बैंक अकाउंट नंबर देख देख कर ठीक से लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, जिस नाम पर आपकी बैंक अकाउंट है उस नाम यहाँ पे लिख दो ये जगह पर। उसके बाद यहाँ पे आपकी एक मोबाइल नंबर अब दे दो। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप अमाउंट लिख दो। मान लो आप 2000 रुपीस डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 2000 रुपीस लिख दो। लिख देने के बाद ये जो नीचे वाला ये जो जगह है अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पे आप 2000 वर्ड में लिख दो, जैसे 2000 TOUSAND 2000 रुपीस पीस, और साथ ही साथ ओनली लिखना जरूरी है, ONLOY 2000 ओनली लिख दो। यहाँ पे वर्ड में आपको लिखना होगा। उसके बाद ये जो नीचे इस घर पे एकदम टोटल के घर पे आपको फिर से 2000, फिर से आपको 2000 लिखना है, और राइट में ये जो पैसे के घर यहाँ पे आपको दोनों ज़ीरो लिख देना है और कुछ करना नहीं। उसके बाद आप आ जाओ इस साइड में। इस साइड में आप देख लो एक बात, यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिखा है, अगर आप 50,000 मतलब 50,000 रुपीज़ 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर आप डिपॉज़िट करना चाहते हो तो आपकी पैन नंबर चाहिए, आपकी पैन कार्ड की नंबर यहाँ पे बैंक में आपको मंगेगी। अगर आप इतना ज़्यादा अमाउंट डिपॉज़िट नहीं करना चाहते हो, आप 2000 या 3000 ऐसा कुछ डिपॉज़िट करोगे तो आपकी पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। मान लो मैं 2000 रुपया डिपॉज़िट करना चाहती हूँ, अब यहाँ पे आपके पास 2000 डिपॉज़िट करने के लिए कितने का कितना नोट है, मतलब 500 रुपीज़ के मान लो 4 नोट है, तो आप यहाँ पर 5000 इंटू इस नंबर के घर पर 4 लिख दो, और यहाँ पे 2000 आप लिख दो, और पैसे के घर में दोनों शून्य। उसके बाद खाली के जितने घर है, जितना घर आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप ऐसा एक स्लैश कर दो, और टोटल के घर में फिर से 2000 लिख के यहाँ पे दोनों ज़ीरो दे दो। उसके बाद नीचे इस साइड में चले आओ, वहाँ पे लिखने की और कुछ नहीं है। इस साइड में यहाँ पर जो फिर से आपकी ब्रांच की नेम लिख दो, फिर से आपकी ब्रांच की नेम, जो आपकी ब्रांच की नेम वो यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे आप डेट दे दो। यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे मान लो आज की डेट 1/1/2022, ऐसे ही करके आप डेट लिख दो। लिख देने के बाद ये जो घर अब दिख रहे हो खाली घर, इस घर में आपकी अकाउंट नंबर देख देख कर लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आपकी फिर से आपकी जो नेम है, जिस नेम पे आपकी बैंक में खाता है उस नेम यहाँ पे लिख दो। लिख देने के बाद यहाँ पे फिर से आपकी मोबाइल नंबर दे दो, और यहाँ पे आपकी एड्रेस यहाँ पे आप शॉर्ट में दे दो। दे देने के बाद फिर से वो जो 2000 रुपीज़ वर्ड्स में जैसे मैंने लिख के दिखाया इस साइड में ऐसे लिखना होगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ, अगर आप 2000 रुपीज़ डिपॉज़िट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखो इस जगह पे TOUSAND, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा करके लिखा के दिखा देता हूँ, TOUSAND 2000 रुपीज़, इसके बाद RUPEES रुपीज़ ओनली आपको लिखना होगा, ओनली ऐसा करके आप इस घर में
ये जो घड़ है इस घड़ में अब लिख दो। जैसे देखो यहाँ पे समझाने के लिए जीरो ओनली सिर्फ लिखा है, ऐसा करके आप लिख दो। और उसके बाद यहाँ पे इस घड़ में फिर से एक ऐसा एक लाइन टन के यहाँ पे फिर से 2000 और पैसे के घड़ में दोनों ज़ीरो आप लिख दो। लिख देने के बाद एकदम नीचे में ये जो सिग्नेचर, ये जो लिखा है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, इस जगह पे आप जो जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसका एक साइन होना चाहिए, यहाँ पे आप साइन कर दो। साइन कर देने के बाद आपकी फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बैंक में जाओगे तो आपकी डिपॉजिट हो जाएगी। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।